आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत की कोरोना को मात देने की तैयारी, भारत कोरोना का टीका कर रहा है तैयार। इंदौर में बढ़े कोरोना के मरीज, कोरोना से मरने वालों की संख्या न हुई। छिंदवाड़ा में भी कोरोना ने पैर पसारे, कोरोना से हुई एक युवक की मौत। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मुरैना में 10 और कोरोना संक्रमित लोग मिले। और रायसेन में फलों पर थूक लगाने का वीडियो वायरल, थूक लगाने वाला पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इस जानलेवा वायरस से करीब 3,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में इस वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत में कोरोना वायरस का टीका तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है। देश की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत की बायोटेक ने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी और दवाई कंपनी फ्लूजेन के वायरोलॉजिस्टों की मदद से कोरोना वायरस की वैक्सीन क्लोरोफ्लू का परीक्षण शुरू कर दिया है। कोरोना के टीके क्लोरोफ्लू का परीक्षण अमेरिका में पशुओं पर शुरू हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 महीने यानी जुलाई तक मनुष्य पर इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। यदि अमेरिका में वैक्सीन का परीक्षण सफल होता है तो इसकी सुरक्षा मानकों की मंजूरी लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका में सुरक्षा मानकों पर मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। देश का पहला टीका है जो कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने का काम करेगा। वायरस से बचाने के लिए इसे नाक में डाला जाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि दवा इतनी प्रभावी है कि सामान्य फ्लू होने पर भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट प्रमुख डॉक्टर चेस एला ने बताया कि भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन तैयार किया जा रहा है और इसका नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। वैश्विक वितरण के लिए वैक्सीन की लगभग 30 करोड़ खुराक तैयार करने के लिए भी कंपनी तैयार है। सहयोग समझौते के तहत दवाई कंपनी फ्लूजेन अपनी मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं को भारत बायोटेक को हस्तांतरित करेगी। इसके बाद हमारी कंपनी इसके उत्पादन में वृद्धि करने का काम करेगी। फिलहाल इसका परीक्षण अमेरिका में जानवरों पर हो रहा है। उम्मीद है कि करीब 3 महीने बाद यानी जुलाई तक मानव पर परीक्षण के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का इपिक सेंटर बने इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 115 हो गई है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के साथ एमपी में अब तक 9 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। शनिवार सुबह एमआरटीवी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। दोनों हाथीपाला के रहने वाले हैं। इनमें 42 साल का पुरुष और 80 साल की महिला है। इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इसकी पुष्टि की है। वहीं इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब तक कुल 115 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। शुक्रवार रात एमवाई हॉस्पिटल में 3 संदिग्ध लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक इनकी मौत कोरोना से होने की पुष्टि नहीं हुई है। इन्हें कुछ दिन पहले ही एमवाई में भर्ती कराया गया था। सीएमएचओ जाड़िया के अनुसार इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 115 है। प्रशासन ने अरविंदो अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया है। यहां निर्धारित क्षमता पूरी होने पर मरीजों को अब एमआरटीवी अस्पताल भेजा जाएगा। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने संभाग के सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले से 3 चिकित्सकों को इंदौर में ड्यूटी हेतु भेजा जाए। ये सभी डॉक्टर सीएमएचओ इंदौर को तत्काल अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे। इंदौर में जहां कोरोना का ज्यादा प्रभाव है, वहां नगर निगम द्वारा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि उन क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इंदौर में कुल 29 स्थानों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। इनकी क्षमता 1300 है। सभी अभी 17 स्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां कोरोना के 744 संदिग्ध मरीजों को रखा गया है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। मृतक इंदौर में वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ थे। मौत की पुष्टि सिविल सर्जन ने की है। मरीज के पिता भी कोरोना पॉजिटिव है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण से मौत का पहला मामला सामने आया है। यहां कोरोना से संक्रमित पिता पुत्र का इलाज चल रहा था। इन दोनों के संपर्क में आने वाले 31 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं 84 लोगों की सूची तैयार की जा चुकी है। इंदौर से 20 मार्च को छिंदवाड़ा के गुलाब आए युवक के आइसोलेट किए जाने के बाद उसके सैंपल जांच के लिए जबलपुर भेजे गए थे। जबलपुर से आई रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया और शनिवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। एहतियात के तौर पर दो निजी अस्पताल फिलहाल बंद हैं। शहर को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के चलते रोजाना हर आए दिन आने जाने वालों से पुलिस कर्मी पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले के अलग अलग स्थानों से बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। गुरुवार को केवलारी निवासी एक युवक संदिग्ध अवस्था में जिला अस्पताल में आइसोलेट होने के बाद उसका सैंपल जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां से देर रात में आई पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को शहर की सारी दुकानें बंद करवा दी हैं। तो वहीं आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक भी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुरैना जिले में 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक दंपत्ति को भी कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई थी। मुरैना में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12 हो गई है। मुरैना स्वास्थ्य विभाग में कुल 30 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि जो युवक 17 मार्च को दुबई से भोपाल लौटा था, उसी के संपर्क में आने से पहले उसकी पत्नी को कोरोना हुआ। उसके बाद उसके संपर्क में जो 26 लोग आए थे, उनमें से 10 लोगों को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है। वर्तमान में जो 10 कोरोना वायरस मरीज मिले हैं, इनमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर इन मरीजों का इलाज कर रहे थे, उन सभी के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ऐसे में मुरैना जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि पॉजिटिव पाए गए ये 10 मरीज संक्रमित होने के बाद किन किन लोगों से मिले हैं, उन सब तक की शासन को पहुंचना होगा। गौरतलब है कि मुरैना जिले में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि 3 दिन पहले ही मुरैना कलेक्टर ने राशन की दुकानों, सब्जियों और दूध के पार्लर्स को भी पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश दे दिए थे। और कल जब 2 मरीज सामने आए थे, उसके बाद मुरैना शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ये जो दुबई वाला परिवार है, उन्हीं के परिवार के 10 लोगों का और रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव आया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम लोगों ने एहतियात और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें वो 2 सस्पेक्ट केस शामिल थे। उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बाकी सभी केसेस नेगेटिव आई हैं। केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है, जिसमें मुख्यतः उसी के परिवार के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो निम्न आय वर्ग का है, छोटे से मकान में रहता है, संयुक्त परिवार में रहता है। इसीलिए जो है वहाँ पे हम लोगों ने पूरे परिवार को ही क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था। और एहतियात के तौर पर हमने टेस्टिंग की। टेस्टिंग के बेसिस पे जो है जो रिज़ल्ट सामने आया है, ये पाया गया है कि उस पति पत्नी के अलावा जो है 10 और लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सभी का कंडीशन जो है टोटली एसिम्प्टोमैटिक है, मतलब उनका जो है कोई भी कोरोना जैसे लक्षण नहीं है, उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके सारे वाइटल्स और पैरामीटर्स जो है नॉर्मल है, स्टेबल है। इनफैक्ट जो मेन सस्पेक्ट है, जो वो दंपत्ति, वो भी क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में है और उनका उपचार जारी है। देश इस समय कोरोना के संकट से जूझ रहा है। सरकारें लोगों के बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस बीच कुछ जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। एडिटर व्यू में देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार IND24 के चैनल हेड नवीन पुरोहित का नजरिया। नमस्कार दर्शक गणों, मेरे प्रदेशवासियों, देशवासियों, मैं नवीन पुरोहित आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारा देश, प्रदेश और समूचा विश्व कोरोना नामक एक विभीषिका से जूझ रहा है।
और सरकारों के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर पूरी तैयारी से इसको रोकने की कवायदें की जा रही हैं, लेकिन इस विभीषिका से जूझने के लिए जो शासन प्रशासन सरकार हमसे उम्मीद करती है, हमें निश्चित रूप से उन दिशा निर्देशों का भी अक्षरशः पालन करना होगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्वच्छता का ख्याल रखें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण ना हो। पीएम ने आह्वान किया है कि एक दिया जलाओ, तो जैसे जलता दिया है रोशनी के लिए, ऐसे आप भी जलो औरों की ज़िंदगी के लिए। हमें इस बीच में अपने साथियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने आस पड़ोस का, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना है। आर्थिक सामाजिक जो भी मदद हम उनकी कर सकते हैं हम उनकी मदद करें और ये हौसला बनाए रखें कि ये देश आत्मविश्वास आस्था श्रद्धा का देश है और इस देश की जो जिजीविषा है, इस देश की जो जीवटता है वो बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है, इस देश की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो हम निश्चित रूप से इस विभीषिका से पार पाएंगे और इससे उभरेंगे और ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर आएगी, ज़िंदगी फिर से वैसे ही चलेगी जैसे चलती रही है। और ये विभीषिका हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि हमें प्रकृति के अनुसार ही विकास करना है, प्रकृति का विनाश करके हम जिंदगी को बचा नहीं सकते। तो निश्चित रूप से आप सब एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सारे दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के दौरान रायसेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फल बेचने वाला अपनी लार फलों पर लगाता दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस फल वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अपना थूक लगाकर
संतरा बेचने वाले का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सावधानी बरतना शुरू कर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो को लोग शेयर कर कोई भी सामान खरीदने में सावधानी बरतने की बात भी कह रहे हैं। रायसेन पुलिस ने इस मामले में फल बेचने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। SP मोनिका शुक्ला ने बताया कि यह वीडियो पुराना है और हम इस मामले में उचित कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को भी इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में ठेले पर फल बेचने वाला व्यक्ति दिख रहा है, जिसमें वो एक एक फल को उठाता है और अपनी उंगलियों से लार उसके ऊपर लगाकर उसे जमा कर रख दिया करता है। कुछ लोग इसे हाल ही का वीडियो बता रहे हैं, जिसके बाद इलाके में संक्रमण फैलने की आशंका बताई जा रही है। ग्वालियर की वैभवी व्यास इटली में फंसी हुई है और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवालकर उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। इसके लिए वे दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। इटली में फंसी ग्वालियर की रहने वाली वैभवी व्यास की मदद के लिए ग्वालियर सांसद आगे आए हैं। सांसद विवेक सेजवलकर ने इस पूरे मामले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय के संज्ञान में लाने की बात कही है। इटली के टेर्मो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा वैभवी व्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो जारी करती हैं, जिसमें पीएम मोदी से भारत आने के लिए मदद मांग रही हैं। गौरतलब है कि वैभवी व्यास पिछले वर्ष अक्टूबर माह में इटली में MBA की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना वायरस इटली में अपनी जड़ें पूरी तरह से मजबूत कर चुका है। बीमार लोगों के बीच बीते 27 दिनों से वैभवी व उसके साथी छात्र हॉस्टल के अंदर कैद हो गए हैं। ऐसे में खाने के सामान सहित हर तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मेरा नाम वैभवी व्यास है एंड मैं टेरेमो सिटी में रहती हूँ, इटली के अब्रूजो रीजन में। मैं यहाँ अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अक्टूबर से आई हुई हूँ और यहाँ पे अब कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है पर उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ खाने का भी आगे चल के धीरे धीरे क्राइसिस हो रहा है। हमारे एज अ स्टूडेंट हम लोग पास मनी का भी क्राइसिस है। सो मैं बस यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों के लिए आगे जैसे थोड़ी सी सिचुएशन सॉर्ट आउट होती है, हम लोगों को यहाँ से जितने भी इंडियंस हैं इनको एवैक्यूएट किया जाए, ताकि हम हमारे घर वाले जितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा राहत मिले और हम लोग घर वापस। देखिए, मैं मुझे जानकारी मिली है और मैं विदेश मंत्री जी से संपर्क करके इस बारे में उनको पूरी जानकारी दूंगा और इटली में जिस स्तर पर भी उनकी मदद की जा सकेगी, दूतावास के स्तर पर, वहाँ पर जो अपने भारतीय दूतावास में जो लोग हैं उनके द्वारा उन तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, इसका मैं प्रयास करूंगा और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि वो सब सकुशल रहें और जैसे ही मामला सब निपटता है, शांत होता है, उससे वो उसके बाद वो सकुशल हम सब लोगों के साथ आए लौटें। मैं इस संबंध में विदेश मंत्री से बात भी करूंगा और माननीय मोदी जी के भी ध्यान में ये बात लाने का प्रयास करूंगा। देश में 21 दिन का कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा कर्मी जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गीत गाया। छतरपुर में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में है। पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर नौकरी कर रहे हैं। जवानों का हौसला अफजाई करने पुलिस के अधिकारी गाना गाकर हौसला बढ़ा रहे हैं। छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर पुलिस के अधिकारी अपने जवानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए गाना गाते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस अधिकारी के साथ शहर थानों के TI और महिला यातायात अधिकारी भी मौजूद रहे। Oh,
पड़े कभी रंग तेरा इस मोदी निकल के खून कहे। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुकड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। समय एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करते हैं खबर का। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर NTPC विंध्याचल भी पूरी तरह से सतर्क हो गया। NTPC में रखे उपक्रमों और कार्यालयों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सिंगरौली में NTPC विंध्याचल को भी एहतियातन सैनिटाइज किया गया है। NTPC अपने कार्यालयों सहित कॉलोनियों की प्रमुख जगहों को पूरी तरह सैनिटाइज कर रहा है। NTPC में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी जन जागरूकता के माध्यम से समझाइश दी जा रही है कि किस तरह इस महामारी से बचा जाए। NTPC में CISF जवानों द्वारा आने जाने वाले व्यक्तियों की पूरी तरह जांच परख की जा रही है। NTPC विंध्याचल प्रबंधन जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है। प्रबंधन द्वारा इस महामारी के बचाव के लिए बैनर पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी के आवाजाही में रोक लगा दी गई है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। छिंदवाड़ा में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन को एक सप्ताह से ज्यादा वक्त हो गया है। छिंदवाड़ा में पिछले 2 दिनों से कोरोना वायरस के मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से शहर में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सीमा से कार छिंदवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश कर गई। गाड़ी को जब पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए रोका तो कार चालक बैरिकेड्स तोड़ते हुए गाड़ी को भगा ले गया। ये घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना दी और 2 जगह से बैरिकेड तोड़ने के बाद आखिरकार वाहन चालक को पकड़ लिया गया। पकड़ा गया युवक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसका नाम राजेश यादव है। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी 2 प्रदेशों की सीमाएं पार करते हुए कैसे यहां तक आ गई।
ये एक कार है जो सवेरे सवेरे उत्तर प्रदेश जाने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर से आई है। इसने सबसे पहले खरीद राय में प्रवेश किया और वहाँ पे स्टाफ के द्वारा रोका गया, तो उसने वहाँ पे स्पीड में गाड़ी को लेकर के वहाँ पे जो बैरिकेड्स लगे थे वो बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे निकली है। तो उसकी वहाँ के पॉइंट की सूचना पर आगे जेल तरहा और चार फाटक आगे उसके बाद में कुंडीपुर थाने के सामने रुकने का प्रयास किया, किंतु लगातार वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए निकल गई। दोनों चीज़ सामने आई कि ये भागने के चक्कर में इधर घबरा गया, और दूसरी वाली बात ये थी कि चूंकि पूरा टोटल लॉकडाउन चल रहा है, ये दो दो शहरों की बॉर्डर क्रॉस करते हुए एक राज्य की बॉर्डर क्रॉस करते हुए आया है और इसके बाद में इसे उत्तर प्रदेश जाना है। इसका ड्राइवर जो है राजेश यादव, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ये भागने के चक्कर में वहाँ पर भागते हुए आया और इस अचानक कुंडीपुरा थाने के 2 किलोमीटर आगे जाके इसकी गाड़ी का टायर फट गया, जिसमें इसके वाहन जो पीछे कर रहा था उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। वाहन चालक के खिलाफ 188 की और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की गई है। रीवा में पद्मधर कॉलोनी स्थित मां काली मंदिर के पुजारी के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके बाद मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी को लाइन अटैच कर दिया गया। रीवा में लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन लोग धार्मिक कार्यों में भाग लेकर अपने और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की चेतावनी के बाद भी रामनवमी के चलते पद्मधर कॉलोनी स्थित देवी के मंदिर में लोग इकट्ठा होने लगे। जैसे ही इसकी खबर प्रशासन को लगी, उन्होंने इस पर रोक लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने मंदिर के पुजारी उपेंद्र कुमार पांडे के साथ मारपीट की। पुलिस की इस घटना को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने निंदा की, जिसके बाद मारपीट करने वाले थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा को लाइन अटैच कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने के कारण पुलिस ने यह कार्रवाई की। सर, वो कल परसों की बात है, ये परसों करीब 8:30 बजे रात की, तो ये पुलिस वाली आई, ये कपाड़ी मोहल्ले से परिक्रमा हर तीसरे साल आता है, तो कोरोना वायरस में फंस गया, वो भी आ गए और 2-4-10 आदमी भीड़ थोड़ा हो ही गई, तो पुलिस वाले उधर डंडा से उनको मारने लगे कबाड़ियों को। टी आई साहब आके हमको यहाँ बैठे थे अपने आसन में, हम यहाँ पर बैठे थे जाप कर रहे थे, तो टी आई साहब ने आके हमारे पकड़ गर्दन पटक दिया यहाँ पर माता जी के सामने और डंडा से प्रहार करने लगे हमारे ऊपर। और ये देखिए, मैं मेरे बहुत चोट भी लगी है, जो कि SP साहब को कल रात के CSP साहब आए थे उनको दिखाया भी, तो वो देखे हमारी चोट भी देखे हैं और यहाँ हमारे घुटने में देखिए फूट फट गए हुए हैं, फोट डाले हैं, घसीटे पकड़ पकड़ के यहाँ मंदिर के चारों चौक करती हुआ, यही वारदात हुआ श्रीमान जी। और क्या बताएं, जूतों से मार रहे थे श्रीमान जी, जो वहाँ कबाड़ी मोहल्ला की जो आज तो कुछ जूतों से मार मार के लोटा उटा सब उनका फेंक दिए, और लगता था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कोई मैंने दृश्य ही ऐसा जैसे राजा दक्ष के यहाँ शंकर जी भोले भेजे थे विध्वंस करने के लिए, उस तरीके का पूरा हाल था कि मैंने गोला बल्ली उठा उठा पटक रहे थे, फोड़ रहे थे, तो मैंने ऐसे तरीके से पुलिस वाले मारते थे माता बहनों को, लाठी खसील जाती हुई वो लोटा वोटा सब लात मार दिए, सब पूरा विध्वंस कर दिए उनका भी। अब TI साहब आके हमको पकड़ के नटाई पकड़ के यहाँ पटक दिए, और पटकने के बाद फिर मैंने डंडा से प्रहार करने लगे। हमने कहा साहब कौन पाप कर रहे हैं, 27 वर्षों से लगातार मैं माता रानी के, अब बताया कि श्रीमान जी 9 दिन ना सोता हूँ ना कुछ खाना खाता हूँ, व्रत रहता हूँ माता रानी के नाम पर मैंने। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने बताया कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते सभी धर्म और समाज के लोगों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसके बाद मंदिर और मस्जिदों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर समझाइश दी गई थी। जांच को संज्ञान में लेते हुए रीवा रेंज के IG चंचल शेखर द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा को लाइन अटैच कर दिया गया है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे एक पुजारी के साथ दुर्व्यवहार की, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की फोटोग्राफ्स देखने को मुझे मिले हैं, और वो काफ़ी तेज़ी से वो ट्रेंड कर रहे हैं उस पर। इसमें मुझे ये कहना है कि जो फोटोग्राफ में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं वह पुलिस अधीक्षक रीवा श्री आबिद खान नहीं है। उस फोटोग्राफ में थाना प्रभारी सिविल लाइन श्री इंस्पेक्टर RK मिश्रा, राजकुमार मिश्रा है, उनके द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा जब सूचना मिली कि वहाँ पे लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ जाकर यह कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्रवाई अनुचित है, कार्रवाई सही नहीं है, इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। तो मेरे द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए आज थाना प्रभारी सिविल लाइन राजकुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। उसके जगह
किसी अन्य अधिकारी को थाना प्रभारी सिविल लाइन पदस्थ किया गया है। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि सभी धर्मगुरुओं के साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और प्रशासन के निर्देशों का भी पालन करें। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि थाना प्रभारी सभी धर्म के धर्मगुरुओं के साथ महामारी को रोकने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, जिसके बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में आने वाले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के धर्मगुरुओं और आम नागरिकों को बुलाकर समझाइश दी गई। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी धर्म का हो। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, इसके बावजूद रीवा में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को अपने घर में रहने की समझाइश के साथ ही उनका फूलमाला से स्वागत करती नजर आ रही है। रीवा जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों का पुलिस द्वारा फूलमालाओं व तिलक से स्वागत किया गया। दरअसल यह इसलिए किया गया कि प्रशासन के हजार कोशिशों के बावजूद लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। यह कार्रवाई पूरे जिले में एक साथ शुरू की गई है। शायद लोगों को पुलिस की इस पहल से कुछ समझ आएगा और लोग अपनी व अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे। इस दौरान रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा द्वारा लोगों की फूलमाला देकर लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती भी उतारी गई। अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से अपने लिए और अपने परिवार के लिए खतरा पैदा करेंगे। जो कोरोना वायरस है, शैतान है, वो अपना ध्यान रखें, ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं फिर इतनी परेशानी बढ़ जाएगी, शमशान जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है ध्यान रखें, घर में रहें, बाहर ना निकलें जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो Really? डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। देख रहे हैं दखल न्यूज़।